हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक नई जॉब के बारे में बताने वाला, एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही बढ़िया होने वाला उन भाई के लिए जो हमारे भाई बेरोज़गार है। जैसा आपको पता है कि मैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करता हूँ, गेट टू गेट जाता हूँ आप सभी के लिए। तो मुझे बस आपसे ये चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने भाई इसरार को सपोर्ट करो। इतना सपोर्ट करो कि नंबर वन चैनल हो पाए यूट्यूब की दुनिया का, अगर जॉब के बारे में हम बात करें तो, है ना। तो अभी हम हमारे साथ सतीश भाई हैं, सतीश भाई से हम बातचीत करते हैं, आखिर इनसे पूछते हैं किस टाइप की वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है इस टाइम अगर हम बात करें तो। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद सर। अगर हम बात करें तो अभी हमारे कैंडिडेट के लिए किस टाइप की वैकेंसी, किस टाइप की अभी प्रोफाइल के लिए यहाँ जॉब अवेलेबल है जॉब पॉइंट में? अभी जो वैकेंसी अवेलेबल है ये उन भाई बहनों के लिए है जो 10th 12th वाले हैं और ग्रेजुएशन कर रखी है। तो मोस्टली 10th 12th की जो वैकेंसी है आज के टाइम में, आपको पता है क्वालिफिकेशन के ऊपर 10th 12th को इजीली से जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और वो होता भी, दिक्कत भी आती है। तो इसीलिए हमने थोड़ा इधर उधर से जुगाड़ कर करा के अभी नोएडा में कुछ हायरिंग्स निकली हैं जो हम कंपनियों से टाई अप किया है, जिसमें 10th 12th का होगा और जिसमें ओनली 10th एंड 12th है। हाँ, ओनली 10th एंड 12th का फिलहाल। वो ITI का भी है अभी, लेकिन फिलहाल फोकस जो ज़्यादा है 10th 12th है, ITI भी चल जाएगा उसमें। और ये सब फ्रेशर, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर होगा। फ्रेशर की आवश्यकता है, अलग अलग कंपनीज हैं, किसी में कुछ प्रोडक्ट बनता है, किसी में गाड़ी पार्ट्स बनते हैं, किसी में मोबाइल्स बनते हैं, किसी में बहुत चीज़ें बनती हैं, जो भी अलग अलग प्रोफाइल की वैकेंसीज हैं। अलग अलग मैनुफैक्चर कंपनियाँ हैं ना, अलग अलग प्रोडक्ट मैनुफैक्चर कंपनियाँ हैं। और आप भी जानते होंगे, देखिए मैनुफैक्चरिंग कंपनियाँ बहुत कम कंसल्टेंसियों को अपने साथ जोड़ती हैं, बट जॉब पॉइंट है, थोड़ा हमने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, कोई आपकी दुआ से हमने उन बच्चों के लिए किया, क्योंकि आपको पता है हमारे लिए जो जॉब पॉइंट है वो एजुकेशन फील्ड का है ज़्यादा, और जिसमें मोस्टली वैकेंसी टेली सेल्स की निकलती हैं, अकाउंटेंट है, सिविल इंजीनियर, रिसेप्शनिस्ट हैं, वो है। तो और इस बीच में जैसा कि हमने फील देखा था, काफ़ी बच्चे जो 10th 12th वाले हैं वो भी हमारे कॉल करते हैं, आते हैं, तो जब हम उनको कुछ जॉब अवेलेबल नहीं करा पाते तो हमको थोड़ा सा गिल्टी फील होता था कि हम इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अब उन भाई बहनों से कहना चाहूँगा जो 10th 12th है, जो वैकेंसीज अभी आई हुई हैं, नोएडा लोकेशन है, आप जहाँ के भी हैं, मिनिमम कंपनियाँ तो 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर रेंज का मांगती है, बट हमने कह उनके कि भाई वो है तो 100 किलोमीटर रेंज तक के बच्चे को, मतलब नोएडा 100 किलोमीटर की दूरी के बंदों को ले लेंगे। हाँ, 100 किलोमीटर बंदों की दूरी लें, और दूर का इसलिए लेते हैं क्योंकि लोकल को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोकल बच्चे हैं वो काम कम करते हैं, यूनियनबाजी ज़्यादा करते हैं, गुंडे से मिसबिहेव करते हैं। ये चीज़ मैंने काफ़ी रियलाइज़ की, देखी भी और होता भी ऐसा ही है कुछ है। तो इसलिए दूर दूर से बच्चे, क्योंकि वो बच्चे नीडेड होते हैं जो एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं। 10th 12th पढ़ने वाले का मतलब क्या है कि वो बेचारा घर से ही कुछ से इसलिए आगे नहीं पढ़ पाया नहीं। आज टाइम में सबको पता है पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। अगर 10th 12th वाले की बात करें, कितनी वैकेंसी है, क्वान्टिटी की बात करें? क्वान्टिटी तो इसमें अनलिमिटेड है, 200, 250, 300 जितनी भी है, कौन वैकेंसी कोई लिमिटेड नहीं है। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट इसमें है आपका 30, 18 से 30 तक का है। सैलरी कितना है सर? सैलरी भी मैं जस्ट के लिए बता देता हूँ, सैलरी का जैसे देखिए 8 घंटे की जो ड्यूटी होगी उसकी सैलरी होगी 10,089 रुपये, मीन 10,090 रुपये कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें ESIPF कटेगा। इसमें एक बेनिफिट ये है कि वन टाइम खाना है, जो भी कंपनी है, कुछ कंपनियों में कैंटीन चार्ज करता है, कुछ में नहीं करता है, कुछ कंपनी में, जिस कंपनी में खाना होता है, तो हर कंपनी में ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं कटेगा उसको, किसी में 10-15 रुपये, किसी में 16 रुपये, सुबह शाम चाय नाश्ता मिलता है और वन टाइम खाना जो अवेलेबल है। 8 घंटे के 10,089 रुपये हैं। ओवर टाइम जो करोगे इसमें बेनिफिट है ओवर टाइम का, तो इसमें ओवर टाइम है 97 रुपये पर घंटा। अगर बंदा 3, 3.5 या 4 घंटा कर लेगा तो ईजिली से 9, 4, 3, 4 रुपये के अकॉर्डिंग 3, 3 या 9,000 या 9,500 और प्लस 10,000 उसमें जो ESIPF कट के आई थिंक 88,800-9,000 करीब वो पड़ेगा, मतलब PFSI कटेगा। हाँ, ESIPF कटेगा। और अटेंडेंस अमाउंट कितना है सर? अटेंडेंस अमाउंट है 2,000 रुपये। हाँ, और बाकी संडे तो डबल है ही है, और 3-4 घंटे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यही बचता है ओवर टाइम भी, पब्लिक ओवर टाइम। और बच्चों का जो कैंटीन होता है ना, ये ज़्यादा बच्चे नीड करते हैं, क्योंकि मैं बता दूँ जो बाहर के बंदे आते हैं सतीश भाई, मैं बताऊँ तो बेचारे खाना बनाने के थोड़े असमर्थ रहते हैं, उनको खाना बनाना
में नहीं आता, तो सुबह अपना नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में कंपनी को मिल जाता भरपेट खा लेते हैं बेचारे, है ना। उसके बाद जो हमारे भाई होते हैं शाम को अपना कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ कर लेते हैं शाम को, है ना, जैसे घर पे रूम पे बना लेते हैं या तो बाहर खा लेते हैं, ये कंडीशन होता है। इसलिए जो कैंडिडेट हैं उनकी ज़्यादातर ये मांग रहती है कि सरार भाई आप वहाँ पे वीडियो शूट करो जहाँ पे कैंटीन की सुविधा है। और मैं आपको बताऊँ 99% कंपनियों में कैंटीन की सुविधा है, कुछ कंपनियों में पैसे काटती है 17-18-20 रुपये, कुछ कंपनियाँ फ्री में खिलाती है ना सर, ऐसी यही कंडीशन है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कब तक ये वैकेंसियाँ हैं आपके पास? वैकेंसी ये थोड़ी ज़्यादा हम पे जो प्रेशर आया हुआ है, बहुत अर्जेंट हायरिंग करनी है, फिर भी 10 तारीख तक वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज तो खैर और भी आते रहेंगे, लेकिन जो भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं और वास्तव में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जो मेरा नंबर है है, और बाकी अगर मेरा नंबर ना लगे या मैं किसी कारण फ़ोन ना उठाऊं, और एक रिक्वेस्ट ये करूँगा भाई अगर कॉल करें तो थोड़ा टाइमिंग पे ही करें, 6 बजे के बाद आप भी समझते हो ऑफ हो जाता है सब कुछ, तो 6 बजे के बाद कॉल ना करें, 10 बजे से पहले कर सकते हैं कोई बात नहीं, 8 बजे से कर सकते हैं ठीक है, और डायरेक्टली ऑफिस आना चाहें तो वो ज़्यादा बेस्ट एंड बेस्ट है। इसमें कोई टाइम लगेगा इंस्टेंट लगेगा, एक दिन आएंगे और नेक्स्ट डे हम उसकी ज्वाइनिंग करा देंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए जब आप कॉल करेंगे सबसे पहले आपकी जो वर्ड होती है वो सर करके, है ना, सर करके बात करिए, यहीं पे नहीं कहीं भी किसी से भी आप बात कर रहे हैं सर करके बात करिए। हाँ, ड्रेसिंग सेंस, गेटअप जो आपका होता है, बॉडी लैंग्वेज प्लस शूज़, शूज़ बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कंपनी के अंदर, अगर शूज़ पहन के नहीं जाएंगे तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके आने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैक्सीनेशन, बाकी जो आपकी डिग्री है उसके मार्कशीट, फोटोकॉपी आपकी लेके आने, उसे ओरिजिनल लेके आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कंपनी वाले कुछ कंपनियाँ देखती हैं, कुछ कंपनियाँ नहीं देखती, लेकिन लेके आएंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, नौकरी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करना। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए तकलीफ बाय।